हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फूड गली। आज हम बिना ज़्यादा मेहनत के सिर्फ 10 मिनट में सुपर क्रिस्पी एंड चीज़ी पटेटो डोनर बना लेते हैं। ये आजकल की ट्रेंडिंग और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, तो इसे आप ज़रूर से ट्राई करें। सबसे पहले हम ब्रेड क्रम बनाएंगे, तो उसके लिए ग्राइंडिंग जार में 5 से 6 ब्रेड ले लें और फिर उसका फाइन पाउडर बना लें। अब हम मसाला बनाएंगे, तो उसके लिए 4 से 5 मीडियम साइज के आलू को अच्छे से मैश कर लें। अब इसमें 2 चम्मच धनिया पत्ती, 2 हरी मिर्च, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच पिज्जा मिक्स, नमक स्वाद अनुसार, 2 चम्मच मैदा और 1/2 कप ब्रेड क्रम ऐड करें और अच्छे से इन सबको अब हम मिक्स कर लेंगे। और अब एक बोल में 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा नमक और पानी ऐड करके सेमी थिक बैटर बना के रेडी कर लेना है। अब हम एक चीज स्लाइस ले लेंगे और उसे लंबा कट कर लेंगे। और अगर आपके पास चीज स्लाइस नहीं है तो आप मोजरेला चीज यूज कर सकते हो। अब हम अनियन को ऐसे गोल गोल कट कर लेंगे। प्याज अगर आप नहीं खाते हो तो आप टमाटर या शिमला मिर्च भी यूज कर सकते हो। और अब एक अनियन रिंग के बीच में चीज स्लाइस रखें और इसे आलू के मिक्सर से अच्छे से कवर करना है। चीज कहीं से भी ना निकले, इस बात का खास ध्यान रखें। अगर चीज कहीं से भी निकला रह गया तो जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये फट जाएगा और सारा चीज बाहर आ जाएगा, तो अच्छे से आलू से इसे कवर करें। अब हम इसे स्लरी में डिप करेंगे और फिर अच्छे से ब्रेड क्रम की कोटिंग करेंगे। इस प्रोसेस को हमें 2 बार करना है। ऐसा करने से डोनट फटेगा भी नहीं और सुपर क्रिस्पी बनेगा। अब बस एकदम गर्म तेल में हाई हीट पे डोनट को फ्राई करना है और बस जैसे ही डोनट गोल्डन ब्राउन एंड क्रिस्प हो जाए, इसे फटाफट से प्लेट में निकाल ले और बस मजेदार सी क्रिस्पी एंड चीजी आलू डोनट सर्व करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से करें एंड एंजॉय।